I feel so blessed. Like, I did not ever imagine myself being this far in my career, sitting here right next to the great Ravi. And you know, he ended up being such a beautiful guy. He's so nice. Not only that he's beautiful in the movies, but you know, if you really get to meet him in real life, he's such a good friend. This is ये project है इंडो थाई production में होगा with गाय के साथ. इनका नाम लंबा है but हम इनको गाय के नाम से. He's very popular. ये थाईलैंड के superstar हैं और इनके साथ plan कर रहे हैं ऐसी film जो action pack होगी जैसे जैकी चैन की फिल्में होती थी और उसी को कॉम्बो करके हमारे पूरा एक देसी मसाला इमोशन के साथ. आई एम थिंकिंग बिकॉज ये ट्रेंड भी हैं अपने आर्ट्स में. व्हाट ट्रेंड यू व्हाट दैट मार्शल व्हाट इन बैंकॉक लाइक आई डू अ लॉट ऑफ मोय थाई सो या फैमिलियर. सो मोय थाई का जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग है मोय थाई इज लाइक अ boxing with a very different style, right? Yes, with the knees, with the legs. With the knees and the legs. The elbows, yeah. Everything. So, aise kuch combination karke, we were planning a script. Aur main mila, toh ek dosti hum log ki achhi hogi. Main abhi Thailand mein tha. Aur hum log ne socha, kyun nahi saath mein hum log film karte hain. Aur hum dono ne saath mein film banane ka socha. Ye aaj inko, kyunki ye sirf mujhse milne aaye hain, toh maine kaha ek choti si media aap logon se milwa dun. और उसके बाद एक प्रॉपर अनाउंसमेंट होगा, एक प्रॉपर लॉन्च होगा जहाँ पे पूरी स्क्रिप्ट एक कड़क तैयार हो जाएगी एंड डायरेक्टर टू इंटायर टेक्नीशियंस फाइनल होंगे. उस दिन हम लोग आप सब लोगों के सामने आएंगे कि एग्जैक्टली हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं. बट यस, वी लॉक्ड अप, हम लोगों ने साइन कर लिया आपस में कि हम लोग वी आर स्टार्टिंग द फिल्म. सो हाउ पॉजिटिव स्टेप डू यू फाइंड इट, यू नो, वेंचरिंग टू कंट्रीज एंड टू कल्चर्स एंड मेकिंग अ मूवी एज़ अ जॉइंट. I wanted ki, you know, the two countries should meet. I wanted because Thailand is exactly, Thailand was part of India earlier. Swarn Bhumi wahan ke airport ka naam hai. To hamare culture same hai, wahan mandir hai, wahan pe Vishnu Bhagwan ke mandir hai, jo ki bahut rare aapko dekhne milte hai. To wo, jab main bahut saalon se wahan jata raha, to main bada attract raha. And then, गाय से मिला तो गाय से मिल के अच्छा, क्योंकि गाय इज़ अ वेरी फैंटास्टिक एक्टर, इज़ अ वेरी नेचुरल एक्टर. हमने गाय का काम भी देखा है तो आई वॉन्टेड कि ऐसा कुछ हो कि मज़ा आ जाए. और फर्स्ट थाई सुपरस्टार हैज़ कम टू इंडिया, पहला थाईलैंड हीरो होगा जो यहाँ से आया, हांगकॉन्ग से आए हुए हैं लोग, चाइना से आए हुए हैं, बट नेवर अ थाई गाय कमिंग, अ थाई एक्टर कमिंग हियर. तो ये कॉम्बिनेशन करके आई वॉन्टेड कि हमारी तो दोस्ती भी बड़ी अच्छी होगी, लाइफ फाउंड अ यंगर ब्रदर इन हिम, एक हमारी वो भी होगी और सेम टाइम टू कल्चर को मिला के, टू कंट्री को मिला के एक कॉम्बिनेशन ऑफ मूवीज भी बनाएंगे जहाँ पे थाई गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी होगा, एक न्यूज़ भी होगी और टू कल्चर मीटिंग, फैंस लोगों के लिए भी एक अट्रैक्शन होगा और ये हिंदी फिल्म होगी. इट्स गोइंग टू बी अ बॉलीवुड फिल्म. Honestly speaking, I do not watch Hindi movie, every movie that comes out. You guys have 1,000 movie a year. Yes. That's amazing what you guys do here in India. But I have been to Indian film festivals with my friends. I grew up with two of my best friends, Ramit, Ramil Batra, and I love the culture of watching movies here in India. You guys just don't watch the movie. You guys put yourself inside the movie. And us as an actor or actresses, to be able to give something like that, to make people happy, to have them so passionate about going to watch our film, is a dream come true for actors like us. जब मेरे पास पैसे नहीं थे, जब मैं स्ट्रगल करता था, तो मेरी बेटी पैदा हुई थी और उस 5,000 रुपये निकाल अस्पताल में देने थे, मेरे पास वो नहीं थे पैसे. तो मुझे याद है मैंने मेरे एक मैनेजर हुआ करते थे जॉनी जी,
मैंने उनसे किसी से इंटरेस्ट पे मंगवाया ब्याज पर, और मैंने अपनी बेटी को अस्पताल से बाहर लाया बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैं ना किसी ने, या मैंने शायद पूछा भी नहीं या किसी ने मदद भी नहीं की, और उस वक्त मेरा खेत भी गिरवी था, तब भी मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं भगवान से ये मनाया कि कभी ईश्वर बिनो, जब भगवान मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी औकात जितनी, मेरी कुवत में जितना होगा, मैं कोशिश करूँगा बहुत लोगों की मदद करूँ। और मैं इसलिए दिन रात काम करता हूँ, इसलिए मैंने 500 फिल्म कर लिया। लोग मुझे बोलते तुम कितना काम करते हो, क्योंकि मुझे बहुत लोगों को देखना होता है, बहुत सारे परिवार मुझसे जुड़े हैं जो मैं कभी बताता नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें बताई नहीं जाती, दान पुण्य को कभी बताया नहीं जाता। सो या मेरी मदद किसी ने नहीं की, इसीलिए अब पूजा के साथ हमने काम किया, और ऐसे न जाने कितने टेक्नीशियंस और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हमने हमेशा छिप के मदद की है, और ये करना चाहिए। बिकॉज इंग्लिश में कहावत है पे बैक टाइम, आप कमाते हो तो उसमें कोशिश करो कि देने के अगर लायक ईश्वर ने बनाया थोड़ा बहुत, उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें कोई शर्म नहीं है, या तो आप बचा के क्या करोगे, मरते हो तो हाथ खाली रहता है। लोग, मैंने तो ऐसे भी देखा कि लाश के साथ फैमिली तेल लगा के, घी लगा के अंगूठी भी निकाल लेती है कि कहाँ पर ये अंगूठी लेके जा रहा है बॉडी। सो जब कुछ रहता ही नहीं है तो इतना सब नोच नोच के, इतना सब जमा करके क्या फ़ायदा। हमारे को किसी ने मदद नहीं की थी लाइफ में, हम बहुत गरीबी से ऊपर आए हैं, तो कोशिश करते हैं कि हमारे से जितना हो सके, बस मेरा यही उद्देश्य रहता है। अभी मीडिया में आ गया, छा गया, तो पहली बार हम बोल रहे, नहीं तो ये कई सालों से मेरा ये काम चल रहा है। और ये भी जानना चाहूँगा कि हर लैंग्वेज में काम कर रहे हैं आप, हिंदी हो या साउथ की फिल्में हो, अभी आप ये थाई में भी हैं, क्या कहते हैं, कितना जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, किस तरह से कॉन्फिडेंट रहते हैं, और क्या यूएसपी मानते हैं अपने एज एन एक्टर के तौर पे, क्या यूएसपी मानते हैं? मेरी ईमानदारी, मैं बहुत फोकस्ड, आई एम वेरी फोकस्ड। लाइक अगर 500 फिल्म्स आई हैव डन टुडे, इट वाज जस्ट बिकॉज आई वाज फोकस्ड। एक वॉरियर की तरह अपने आप को झोंकता हूँ, एंड आई नो कि दिस एनी काइंड ऑफ रोल और एनी एक्टर और एनी मूवी और कोई भी लैंग्वेज हो, मैं वहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से डाल सकता हूँ। और ये एक शक्ति है, ये महादेव की शक्ति है, ये पीछे बैठे हैं मेरे शिव जी, ये मुझे यही, मेरा पाइप ऊपर से जुड़ा हुआ है, तो सब माल ऊपर से आता है, और लड़ने की क्षमता बहुत है। जैसे और मेरे इंस्पिरेशन अमिताभ बच्चन साहब हैं, ही 76 ईयर ओल्ड एंड लुक एट हिम, ही वर्क्स एवरी डे। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द लेजेंड सुपरस्टार बच्चन। सो यही है, मुझे लगता है कि एक उम्र है, एक ज़िंदगी है, एक लाइफ है, वन लाइफ यू हैव। और पैन इंडिया मुझे जनवाना है, मुझे हॉलीवुड भी जाना है, मुझे हर भाषा, मुझे थाई की भी लैंग्वेज करना है, और मुझे प्यार हर जगह मिलता है, ऑल ओवर वर्ल्ड आई गो, बिकॉज एक्टिंग की कोई भाषा नहीं होती, और सब लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं द वे आई एक्ट। मेरी एक एक्टिंग का कनेक्शन ऑडियंस में बड़ा अच्छा होता है कई सालों से, और वो मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, और मुझे बहुत किक मिलता है उसमें। ये रूमर नहीं है, सच है। बैरी कंगना 2 एक फिल्म आ रही है, और शी इज़ एक्टेड विथ मी, और बहुत मज़ा आया। बहुत पॉपुलर हैं वो, बहुत बड़ी स्टार हैं, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। सो यस, वी आर वर्किंग टुगेदर, एंड अभी हम एक शो में भी मिले थे। शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, बहुत अच्छी इंसान है, और उससे उस फिल्म को बहुत फ़ायदा होगा, सपना जी के उस गाने से। आज आपकी फिल्म रिलीज हुई है MLA तेलुगु में। अच्छा, हाँ, आज हमारी फिल्म है, और बहुत अच्छी ओपनिंग मिली, बहुत अप्रिशिएशन हुआ। आज ये गाय के आने के चक्कर, टुडे माय वन फिल्म, वेरी बिग फिल्म रिलीज, बट यू आर कमिंग, आई फॉरगॉट एवरीथिंग, यू नो, अदरवाइज आई कीप टेकिंग द कलेक्शन, यू नो, कैसी चली ओपनिंग, कैसा लगा। सो आई फॉरगॉट टुडे, यू नो, इट्स कम्प्लीटली ब्लैंक हाउ टू वेलकम यू इन इंडिया। यू नो, इट वुडन्ट, आई एम नॉट एक्चुअली टू सरप्राइज दैट यू फॉरगॉट, यू हैव डन 500 समथिंग फिल्म्स, आई मीन you can't forget a couple. No, but every film is very important for me, yeah. So this film released but you today. Are, today, you, yeah, today it's released. Wow, can we go watch it? No, it's a, you know, one language called South. Uh-huh. This is North India, South India. Mm-hmm. The one part of, yeah, Pan India. Yeah, but yeah, you can watch it in little far away. We have to go to Matunga, where all this community, the Andhra Pradesh people, they stay. We can go there. Yeah, we can watch it. Okay. You'll love it. I'm playing a minister. Cool. Yeah. All right. It's called MLA. 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 Yeah. Thank you so much. Aap log aaye.
एंड गाय का वेलकम किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. एंड होप कि हम वी प्लान मूवी वी कम आउट विद मोर थिंग्स एंड होप इंडिया. And you were talking about Prime Minister Mr. Narendra Modi. Yeah. One of the reasons why, at first I was very happy to come here, not only to come and be in a movie in India, but you know, the Prime Minister Mr. Modi. I feel like that he has really, you know, brought fame to India for the last, like, I don't know, 3-4 years. In Thailand, India was famous before, and all of a sudden it's just a lot of Indian people coming to Thailand, a lot of like Indian news and everything. So whatever he's doing a very good job, and that's actually why I want to come here and help bring, you know, India and the movies back to Thailand. So the guy exactly wants that, you know, the culture, because I remember guy का कहना था कि हम जब छोटे थे तो वहाँ पर्दे पे बॉलीवुड की फिल्मों को डब करके दिखाया जाता था. वो culture he wanted back. He wants to act so that all the Thai people should watch a dubbed Thai film. So हम लोग बहुत अच्छी एक emotional action packed मसालेदार फिल्म बनाने वाले हैं और उसमें गाय और मैं act करेंगे और बहुत मज़ा आएगा आप सब लोग. Yeah. उन्होंने कहा थैंक यू रवि, और वो फल को चूमा था. मेरे लिए बस हो गया. मैं गॉड ब्लेस हर, और मैं जब तक वो अस्पताल में, मैं उनका ख्याल करूँगा. अब पूजा को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं. और ऐसे बहुत सारे अनजान जाने लोग हैं, जहाँ तक मुझे खबर आती है, मेरी जितनी हिम्मत होती है, जितनी मेरे कैपेसिटी में, बिकॉज मुझे बहुत लोगों को देखना होता है, तो मैं करता रहता हूँ. तो पूजा की भगवान चाहेंगे अपना पूजिल भी फाइन, और उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, और उसको बार बार हमारे लोग जाके देखते रहेंगे. और मैं भी अब आया हूँ मुंबई. मैं मुंबई नहीं था, हैदराबाद था. मैं भी जाके उसे देखूँगा. बस यही कहूँगा कि भगवान करे, महादेव करे, पूजा तुम जल्दी ठीक हो जाओ. थैंक यू. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, is par kuch roshni daliye. रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर. एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में, कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता. इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है. हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं, और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं. तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ. द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं. लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता. ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं. इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी. दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ,
जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।